आज हम लोग है कर्नाटका की हुबली में और यहाँ विद्यानगर में है एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट जिसका नाम है जुमान सावजी किचन। यह रेस्टोरेंट उतना पुराना नहीं है पर बहुत ही कम समय में इन लोगों के खानों की क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी के लिए इन्होंने काफी पॉपुलरिटी हासिल की। नॉर्थ कर्नाटका में सावजी कम्युनिटी के लोग काफी तादाद में रहते हैं और उन लोगों की खान पान की रिवाज बहुत ही अनोखी है। नॉनवेज खानों के लिए खास करके मटन डिशेज कर्नाटका सावजी कम्युनिटी की स्पेशलिटी है। ये हमारा सभी सेपरेट वेज है सर। हाँ, पूरा वेज का किचन सेपरेट है। अच्छा, नॉन वेज ये वेजिटेरियन है। हाँ, ये वेज है पूरा। अच्छा, वेज का मिक्सअप में सेपरेट है। अच्छा, ये हमारा प्री कुक हो जाता है। कुक होने के बाद यहाँ पे सिर्फ हॉट होने के लिए रखते हैं इसको गर्म। अच्छा, ये है मटन वाला ग्रेवी। मटन ग्रेवी साउथ ईस्ट स्टाइल होगा ये पूरा। अच्छा, आपको थोड़ा हमारा थोड़ा इसमें ऑयल लेस ज्यादा होगा आपको। हाँ, साउथ ईस्ट स्टाइल होगा और स्पाइसी होता है। हाँ, थोड़ा स्पाइसी होगा। और ये चॉप कीमा मटन वाला। चॉप कीमा मटन को कीमा मीन्स बोलते हैं यहाँ पे। अच्छा, चॉप कीमा है रहता मटन का। और ये भी चिकन वाला ग्रेवी है। ये चिकन ग्रेवी है साउथी चिकन। हाँ, साउथी तभी साउथी स्टाइल होगा ये। अच्छा, ये भी साउथी स्टाइल ग्रेवी होगा। अच्छा, वो मटन वाला है चिकन वाला इसमें आपको सेम स्टार्टर जो भी है हमारा वो रेडी करके देते हैं। अच्छा, ये वेज में हमारा पोटैटो ग्रेवी है साउथ स्टाइल होगा ये भी। अच्छा, और ये वाला दाल है चरकू दाल बोलते हैं। चरकू दाल। अच्छा, चरकू दाल ग्रीन मूंग है क्या ये? हाँ, मूंग का ही दाल है। हाँ, रेड होगा ये। रेड होगा साउथ स्टाइल में बनाऊंगा। और ये मिक्स वेजिटेबल सब्जी मसाला। हाँ, पूरा मिक्स वेजिटेबल रहता फ्लावर चना सब मिक्स रहता। और ये हमारा राइस है स्पेशल ब्रिंजी राइस। पुलाव है वो लाइट मसाला होगा ये। अच्छा, इसमें कुछ मिक्स नहीं होता प्योर वेज रहता। अच्छा, प्योर वेज। बट ये पुलाव टाइप का है ना? पुलाव में इसमें उसका प्लेन जो बिरयानी का राइस रहता ना। हाँ हाँ, उसमें इसमें कुछ मिक्स नहीं है। अच्छा, तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं? इसको बिरंजी राइस बोलते हैं। बिरंजी राइस। ओके, नॉनवेज का अलग है वेज का अलग है। वेज का अच्छा। इस टाइप में आएगा नॉनवेज का ये वाला आएगा। वो दोनों सेपरेट रहता है। हाँ, ये सेपरेट रहता है। तो वेज को मिक्स में प्लेट भी चेंज है। स्टील वाला कॉपर का जो ना है वो नॉनवेज है। अच्छा, स्टील का है वो वेज है। ये वाला कीमा है। कीमा बॉल रेडी किया है। ये बॉल होगा मटन का मीट बॉल। मसाला है जो स्टार्टर हम बनाते हैं उसका मसाला है ये वाला। ये साउथ ईस्ट स्टाइल मसाला होगा।
हम लोग जो ऑर्डर किए हैं यहाँ पे है साउजी स्पेशल मटन थाली। ये थाली में साउजी मटन करी आती है, कीमा, ये कीमा ग्रेवी वाला कीमा है, और ये कीमा बॉल है, कीमा बॉल ग्रेवी है, और ये अंडा करी है, उसके साथ दो प्लेन रोटी, पापड़ और ब्रिंज राइस, ये थाली के अंतर्गत है। और एक्स्ट्रा आइटम हम लोगों ने जो ऑर्डर की वो है, ये है चक्कू चपाती, ये और कुछ नहीं, मतलब नॉर्मल चपाती जो है उसके अंदर स्टफिंग की जाती है और उसके बाद तेल से इसको थोड़ा फ्राई किया जाता है। और ये है अंडे का एक आइटम जो जिसका नाम है अंडानु करात, और ये है खारा बोटी, मटन का छोटा छोटा पीस है और ये सूप जैसा लग रहा है। अच्छा, सॉल्टेड वाटर में मटन को बॉयल किया होता है, और ये मटन ड्राई है, मटन के छोटे छोटे बोटी जो होती है ना उसको ज़्यादा देर तक भुना जाता है मसालों के साथ। और यहाँ पे है कीमा का, कीमा बॉल का ड्राई आइटम। तो ये सारे साइड आइटम्स हम लोगों ने ऑर्डर की, और उसके साथ चिकन बिरयानी, और यहाँ पे है बटर मिल्क। ये है आज का खाना, एक एक करके खाएंगे, टेस्ट करेंगे, ये साउजी स्टाइल खाना है, देखेंगे कैसा लगता है। पहले मटन जो करी है बहुत ही मसालेदार लग रहा है, इसको पहले खाते हैं, एक पीस लेंगे। बहुत ही मसालेदार लग रहा है, एकदम लाल कलर का, तो खा के देखेंगे कैसा है, रोटी के साथ खाएंगे। पहले ग्रेवी को चख के देखते हैं। इसमें बहुत सारे लाल मिर्च डाला गया है, पर बहुत ज्यादा तीखा नहीं है, लाल मिर्च का जो है कि परसेंटेज काफी ज्यादा है इसलिए इतना लाल है। बढ़िया टेस्ट है, अच्छा है ना। मेरे साथ है मेरा एक भाई, हाँ आज मेरे साथ ज्वाइन किया है खाने में, तो ये भी बताएंगे कि कैसा है यहाँ का खाना। तो अभी मटन की बोटी देखिए कितना टेंडर है, एकदम गल चुका है। तो अभी क्या करेंगे, मटन लेंगे थोड़ा सा, थोड़ी सी ग्रेवी, बस हाँ हाँ, मटन की बोटी काफी नरम है, मजा आ गया खाने में। अब थाली के साथ जो मटन कीमा आया है ये देखिए, अब ये ट्राई करेंगे, ये मीन्स मटन है, कीमे को ट्राई करके देखते हैं। मटन कीमा चपाती के साथ ट्राई करेंगे, ये मुझे और भी जायकेदार लग रहा है ना। इसमें भी मसाला, मतलब इसमें तीखापन ज्यादा है, इसमें तीखापन कम है, ये थोड़ा ज्यादा नमकीन है, और टेस्ट में ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, मजा आ गया। अब चरकू चपाती जो है ये थोड़ा ट्राई करेंगे। ये चपाती है, उसके अंदर कुछ, मतलब कुछ हर्ब्स का जो है कि स्टफिंग होता है, ये चरकू चपाती के साथ मटन कीमा। यहाँ पे एक पापड़ भी है, Thank you.
अब ट्राई करेंगे स्पेशल मटन थाली में जो हीमा बॉल्स की ग्रेवी आती है वो वाली। ये जो ग्रेवी है इसमें अंतर देखिए, ये कीमा बॉल की जो ग्रेवी है जितने सारे के सारे ग्रेवी हो जो लाल कलर की है, मतलब इसमें लाल मिर्च डाला गया है पर ये हरे कलर की है, मेरे ख्याल से इसमें सिर्फ हरा मिर्च डाला गया है। ये ग्रेवी जो है ये ड्राई है, कीमा बॉल है, ये भी कीमा बॉल है, ये भी कीमा बॉल है, इसमें ग्रेवी है पर ये ड्राई है, इसका रंग लाल है। तो इसको ट्राई करेंगे पहले चपाती के साथ, थोड़ा सा लेते हैं कीमा बॉल, देखिए ये हरे रंग की ग्रेवी जो है बहुत ही बढ़िया, जैसे बोला इसमें हरा मिर्च डाला गया है, हरे मिर्च का स्वाद और खुशबू दोनों आ रही है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन। थाली के साथ जब बीन्स राइस का जो आइटम आता है, ये नॉर्मल राइस नहीं है, इसमें कुछ मतलब कुछ इसमें डाला गया है, कुछ मतलब कोरिएंडर लीफ तो दिख रहा है और बिरिस्ता भी दिख रहा है मेरे ख्याल से, टेस्ट करके देखना पड़ेगा कैसा है। जैसे जीरा राइस होता है, हाँ जैसे जीरा राइस होता है वैसा है। नानु करात इसमें जो है कि पहले ही आप देखे हो इसको कैसे बनाया जाता है, देखिए एक यॉक यहाँ पे इंटैक्ट है, हाँ इसके अंदर काफ़ी सारे मसाले डाले गए हैं, बहुत ही बेहतरीन, और हरा मिर्च तो एकदम दबा के डाला गया है, देखते हैं कैसा है। मैं थोड़ा ग्रेवी लिया और ये अंडा का जो वाइट पार्ट है ये थोड़ा लिया, इसको टेस्ट करके देखेंगे, भाई को भी देते हैं ये वाला पार्ट, टेस्ट करते हैं अंडानु करात, तो ग्रीन्स राइस के साथ टेस्ट करेंगे इसको। आउटस्टैंडिंग टेस्ट, आउटस्टैंडिंग, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। अब ट्राई करेंगे मटन ड्राई, मटन ड्राई को ट्राई करते हैं, मटन की छोटी छोटी बोटी और उसको मसाले, मतलब साउदी खाना जो होता है ना कि एकदम मसालेदार होता है, कलरफुल, हाँ कलरफुल और स्पाइस से भरा हुआ, यही हम लोग का जो है कि मजा आए खाने में। मटन की बोटी ट्राई करेंगे, ये है मटन ड्राई चावल के साथ, मुझे एक्चुअली मटन जो है कि चावल के साथ ही अच्छा लगता है कि नहीं, बिना चावल का मटन जो है कि जमता नहीं है, तो थोड़ी सी ग्रेवी ली जाए, थोड़ा सा मटन लिया जाए, तो मिला के आज तो मटन का दिन है हम लोग का, ये तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब अब तक जितना भी खाया ना मैं ये हिट है एकदम लाजवाब, क्या बताएं।
आउटस्टैंडिंग। ये तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि ये चीज खाने के लिए। हालांकि सभी आइटम्स जो है कि बहुत ही अच्छे हैं। मजा आ गया। अब ट्राई करेंगे साउदी स्टाइल चिकन बिरयानी। साउदी स्टाइल बिरयानी मैंने कभी ट्राई नहीं की, अभी देखते हैं। और बिरयानी के साथ जो है कि मुझे थोड़ा ग्रेवी आइटम हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो क्या करेंगे, इसको लेंगे मटन कीमा बॉल जो ड्राई है ना, ये देखिए एकदम लाल कलर का है, इसको थोड़ा लेंगे। इसके साथ बिरयानी राइस और बिरयानी का चिकन भी है, शुरू करके देखते हैं। और मटन ड्राई भी है, ये भी मिला के खाएंगे। तो मैंने इसका जो है कि इसकी थोड़ी बहुत ग्रेवी मैंने ले ली, ग्रेवी लेते हैं पहले बिरयानी राइस के साथ मिला के। आउटस्टैंडिंग, मजा आ गया। क्या बात, क्या बात है ना। इसमें जो हर्ब्स का जो टेस्ट आ रहा है, हाँ, हर्ब्स का बड़ी बढ़िया सा टेस्ट आ रहा है। चिकन की पीसेस देखिए एकदम बिरयानी में अच्छे से गल चुका है। अब मटन ड्राई देखे, ये भी बिरयानी चावल के साथ मिला के खाते हैं। अंडा नुकरा जो है ना, ये ग्रेवी मुझे बहुत बढ़िया, तो मुझे भाग गया है। ये भी ट्राई करते हैं। ये है खारा बोटी, मतलब ये एक मटन सूपी है। मतलब क्या किया जाता है, पानी में थोड़ा मसाला डाल के मटन को बॉईल किया जाता है, बस इतना ही। बहुत ही हल्का है, यहाँ की स्पेशलिटी है। टेस्ट करके देखते हैं। सूप तो चम्मच से खाएंगे, बट मटन तो हाथ से ही खाना पड़ेगा। बिल्कुल हल्का लगता है, एकदम हल्का, एकदम हल्का है। कुछ नहीं है इसमें मसाला वसाला, काइंड ऑफ वी कैन यूज इट एज ए स्टार्टर, एज ए सूप काइंड ऑफ थिंग। हम लोग बाद में खा रहे हैं, जो भी हो, मतलब ये सब खाना देख के रहा नहीं गया। अच्छे ठीक है, चलिए पहले ये सूप को देखते हैं। पहला चक, ये मटन सूप है। वो रजीला होटल में खाए थे त्रिवेंद्रम में, ये उससे भी बेहतर है। बढ़िया, मजा आ गया। एकदम सा हल्का और कुछ नहीं है, मतलब एकदम मसाला नहीं है, सिर्फ प्योर मटन सूप। थोड़ी सी हल्दी है इसमें और थोड़ा सा तो तेल डाला गया है, बस उतना ही। नमक डाला गया है, बस उतना ही। मटन को टेस्ट करेंगे। एकदम टेंडर है। मजा आ गया, मजा आ गया।